फ्रेंड्स, आई एम श्रद्धा और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मसाला चाय रेसिपी। वैसे भी चाय हर घर में बनती है, बहुत ही कॉमन है और हर घर वाले चाहते हैं कि बस जैसे ही मॉर्निंग हुई चाय चाहिए, शाम के 4 बजे चाय चाहिए। चाय जो शाम का 4 बजता वो तो टी टाइम नाम से ही फेमस है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं मसाला चाय बनाना। सबसे पहले देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए। हम मसाला चाय जो बना रहे हैं वो स्ट्रीट साइड में जिस टाइप में चाय मिलती है उस तरह का बना रहे हैं। तो हमें चाहिए दूध, मिल्क। ये हमने, अगर हमें 3 लोगों के लिए बनाना है या 2 लोगों के लिए, तो हम ये ले रहे हैं 2 कप मिल्क एंड 1 कप वाटर। 1 कप पानी है और 2 कप दूध है। ये हम लेंगे 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच ब्लैक पेपर क्रश्ड किया हुआ है, ये काली मिर्च 1 टीस्पून, एक छोटा चम्मच जिंजर, ग्रेटेड जिंजर, कद्दूकस किया हुआ अदरक, 2 ग्रीन कार्डमम्स, 2 हरी इलायची, ये हम ऐसे ही डाल देंगे फ्लेवर के लिए, एंड शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको बहुत मीठी चाय पसंद है, हालांकि वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, बट फिर भी अगर आपको बहुत मीठी चाय पसंद है तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने स्पून के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मीठी चाय नहीं पीती, तो इसलिए मैं एवरेज, हमारा जो चाय का स्वीटनेस है वो एवरेज होगा। तो ये हम 2 लोगों के लिए ले रहे हैं। इस स्पून से 2 चम्मच लेंगे, 2 टेबल स्पून शुगर एंड 1 टेबल स्पून ये स्पून है हमारा, इससे हम ये टी लेंगे, चाय पत्ती। चाय पत्ती आप बहुत सी वैरायटी की आती है मार्केट में, ब्रांडेड अच्छी आती है, ताज़ा की अच्छी होती है। और ये मैं लूँगी लास्ट में एकदम डालने के लिए सॉल्ट, 1 पिंच, 1 चुटकी नमक। इससे क्या होगा आपको उतना पता नहीं चलेगा, बट हाँ इसका जो टेस्ट आएगा सारे मसालों को मिक्स करके बहुत ही रिफ्रेशिंग होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस तरह से हम अपना फ्लेम ऑन करते हैं और ये हमारा टी पैन है, टी पैन को हमने रखा और इसमें हम अपना वाटर ऐड करेंगे जो कि 1 कप है। इस तरह से अभी हम इसे थोड़ा सा गर्म होने देंगे। जब ये थोड़ा सा बॉयल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, तब हम जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं टी के वो हम ऐड करेंगे। लास्ट में हम मिल्क ऐड करेंगे। तब तक सारी जो ये अदरक है, काली मिर्च है, चाय है, इलायची, इन सब की जो फ्लेवर है एंड जो कलर है वो सब आ जाएगी, फिर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। तो हमारा वाटर बॉयल तो नहीं हुआ बट हल्का हल्का हीट होना स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले हम इसमें शुगर ऐड करेंगे अपना, क्योंकि सबसे ज़्यादा देर शुगर को ही लगता है डिसॉल्व होने में। 1 एंड 2, थोड़ा सा और बस, ज़्यादा नहीं। उसके बाद हम ऐड करेंगे अपना जिंजर, अदरक। चलिए इसको सही कर देती हूँ। ये है हमारा 1 टीस्पून, क्योंकि आधा चम्मच ही मैंने लिया, ये वो टेबल स्पून है तो मैंने इसका आधा लिया है, 1 टीस्पून। और ठंड के मौसम में तो अदरक बहुत अच्छी होती है हेल्थ के लिए, और गर्मियों में जैसे अदरक थोड़ा गर्म करता है, तो आप अदरक का यूज़ कम करिए, बस फ्लेवर आ जाए और नहीं। और ठंड में तो अदरक हमेशा बहुत अच्छी होती है, तो ठंड में आप चाहें तो अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम अपना ये ग्रीन कार्डमम ऐसे खोल लेंगे और इसमें डाल देंगे ताकि उसका फ्लेवर आ जाए अच्छा सा, इस तरह से। और ग्रीन कार्डमम जो है वो तो वैसे भी खुशबू के लिए, थोड़ा सा फ्लेवर इंक्रीज करने के लिए फेमस है, किसी भी डिश में आप डाल दीजिए तो बहुत ही अच्छा कर देता है उस डिश को। अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून इतना क्रश्ड ब्लैक पेपर, और फिर आप अक्सर करके लोग बाहर चाय पीते हैं ताकि उन्हें मसाला और टेस्ट अच्छा आता है। घर में मोस्टली कॉमन चाय बनती है, बस चीनी डालना, चाय पत्ती, अदरक हो गई चाय, मिल्क। बाहर जो स्ट्रीट साइड में मिलते हैं वो सारे मसाले ऐड करते हैं, तो क्यों ना आप घर पे ही इस तरह की मसाला चाय बनाइए। और घर में आपको याद आ रहा है
या आप लोग खुद हैं, चाय तो रोज़ बनती है, तो बना करके टेस्ट लीजिए इसका और बिल्कुल अच्छा लगेगा आपको। और किसी के भी साथ आप आए, आपके गेस्ट, उन्हें पिलाइए, अप्रिसिएशन मिलेगा आपको। तो इस तरह से देखिए अब हमारा जो बॉइलिंग है वो स्टार्ट हो गई है मसालों की। हर एक कलर से देखिए कलर आने लगा हल्का हल्का। अब हम इसमें टी ऐड करेंगे, चाय पत्ती। बस अब इसे भी बॉईल करेंगे ताकि जो चाय का कलर होता है वो आ जाए। फिर हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। ये सब क्या होता है, जब आप मिल्क अगर ऐड करते हैं तो मिल्क बहुत ज़्यादा बॉईल हो जाता है, थोड़ा जल जाने का डर रहता है और कलर भी जैसे कलर अभी देख रहे हैं ये वाटर के साथ कलर दे रहा है, तो हमें सब कुछ पता भी लग रहा है और अच्छा सा कलर आ रहा है। ये सब बॉइलिंग के बाद अगर हम मिल्क ऐड करेंगे और थोड़ा सा बॉईल करेंगे तो मिल्क को जितना बॉईल होना चाहिए चाय में वो उतना बॉईल हो जाता है और ज़्यादा जलता नहीं है, तो वो टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और हालाँकि हमारे बाकी चीज़ें अच्छे से बॉईल होकर मिक्स हो चुकी हैं, कलर दे रही हैं, तो वो तो टाइमिंग बेस्ट है, तो काफ़ी कलर टेक्सचर बहुत अच्छा आता है, मिल्क भी अपना टेक्सचर लेता है। अब टाइम आ गया है कि हम मिल्क ऐड करें इसमें। ये देखिए कितने अच्छे से गाढ़ी गाढ़ी लग रही है सारी चीज़ें, कलर्स भी आ गई हैं हर चीज़ की। अब हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे इस तरह से और एक बार इसे शेक कर देंगे ताकि सब मिक्स हो जाए। और थोड़ी देर इसे और बॉयल करेंगे और उसके बाद सर्विंग के टाइम हम ज़रा सा 1 pinch कॉमन सॉल्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, तो वो मसाला चाय की टेस्ट इंक्रीज हो जाती है और अच्छे से मसाला चाय की टेस्ट आती है। और इस तरह की चाय आप घर पे बना के रोज़ पीजिए, बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये फ्रेंड्स, ये हमारा चाय अच्छे से बॉयल हो चुका है और अब हमारी चाय सर्व करने को एकदम रेडी है। तो हम गैस का जो फ्लेम है वो टर्न ऑफ करते हैं और चाय को, हमारी जो कप्स हैं, थोड़ी सी मैंने इन्हें तुलसी पत्ती के साथ गार्निश कर लिया है। सोचिए घर पे आप मसाला चाय बना रहे हैं स्ट्रीट साइड वाली और उसको बढ़िया से घर में कप एंड सॉसर के साथ गार्निश करके दे रहे हैं एकदम 5-star होटल टाइप की, तो कितनी अच्छी कॉम्बिनेशन है आपको टेस्ट एंड लुक का। इसमें आपको बहुत अच्छी अप्रिसिएशन मिलेगी, बाहर कोई जाएगा ही नहीं। तो देखिए हमारी फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारी जो चाय है वो एकदम रेडी है और कितना अच्छा लुक आ रहा है एंड बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, बिलीव मी। तो आप भी घर पे ऐसे ट्राई करिए, मसाला चाय घर पे बनाइए फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, खुद अकेले हैं तो खुद भी मज़े लीजिए चाय की, मसाला चाय की अच्छे से। और चाय तो कॉमन है हर मौसम में, हर टाइम पे आप कभी भी मन किया पी सकते हैं बना के, तो ये क्यों ना ये रेसिपी ट्राई करें, थोड़ी टेस्टी और लगे चाय। और अब हम इसमें ज़रा सा 1 pinch नमक जो हमने कहा था वो ऐड कर देंगे, ये एंड ये ज़रा सा 1 pinch, ज़्यादा नहीं, और इसको ऐसे मिक्स कर देंगे। बस हमारी चाय एकदम तैयार है, स्ट्रीट साइड मसाला चाय विद कप एंड सॉसर। एंड अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, कमेंट्स करिए, कुछ एडवाइसेस सजेस्ट करना चाहते हैं आप हमें बिल्कुल करिए, कोई क्वेश्चन है वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में पास करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।